यूपी में सत्ता बदलने के साथ ही बदले योगी के मंत्रियों ने अपने विभागीय कामों में तेजी और बदलाव लाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने भी बहराइच में एक स्कूल का औपचारिक निरीक्षण कर अधिकारियों में हलचल मचा दिया। आनन फानन में जनपद के शिक्षा अधिकारी भागकर डीहा माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। स्कूल में अनुपमा जायसवाल भारी अनियमितता देख टीचरों को फटकार लगा रही थी। अनुपमा जायसवाल अचानक ही डीहा माध्यमिक विद्यालय पहुंची, जहां विद्यालय महिला टीचर अपने बच्चों को गोद में खिलाने में मशगूल थी, जबकि बच्चे उधर उधर खेल रहे थे। शिक्षा मंत्री को देखकर स्कूल के टीचर सख्ते में आ गए। अनुपमा ने सभी शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई और उन्होंने आगे से सुधरने का हिदायत दी थी। अनुपमा जायसवाल ने स्वयं कहा कि स्कूलों में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, जब भी स्कूलों में बच्चों को फल मिलना चाहिए उस समय नहीं दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यवस्था में जल्द ही सुधार किया जाए। माध्यमिक विद्यालय में हम लोगों ने निरीक्षण किया, बहुत तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। आज बच्चों को फल मिलना चाहिए था और सबसे दुखद तो मुझे ये लगा कि जो अध्यापकों का काम है बच्चों को सच की राह पर ले जाना, वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं टीचर के दबाव में या जैसे भी कि हमको फल मिला। और जब ठीक से उनसे पूछा गया, दूसरी कक्षा के बच्चों ने कहा कि हमको नहीं मिला। कुल मिलाकर फिर खुद जो इंचार्ज महोदय थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आज फल नहीं मिला है, प्रधान जी को देना था और प्रधान जी ने नहीं दिया। मेरे साथ भी ऐसे भी बहराइच के थे और मैंने इनको बोला है कि ये 3 दिन के अंदर ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट बना कर दें, क्यों नहीं प्रधान ने फल भेजा और क्यों नहीं मेनू के हिसाब से बच्चों को उनका मिड डे मील मिल रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं बच्चों में गोदी में बच्चों को अपने बच्चों को लेकर पढ़ाती हैं। आज आपने उसको देख करके हैरानी भी जताई है, वहाँ बाकायदा पलंग पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से पढ़ाई हो पाएगी? क्लासरूम में बच्चे का बेड, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अगर आप लोग वहाँ पे थे तो आपने देखा भी होगा कि मैंने उनको कहा है कि या तो बच्चों को घर पर व्यवस्था करके आए बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए कोई अपने साथ अपने पैसे से कोई उनकी केयर के लिए कोई ऐसी आया रखें अपने साथ, जैसी भी ये उनकी प्रॉब्लम्स है। जब हम स्कूल में होते हैं जहाँ हमारी ड्यूटी है उस समय हम उस स्कूल के होते हैं, उस समय हमारी अब अपनी व्यक्तिगत कोई भी हमारा काम नहीं हो सकता है, वो चाहे बच्चे को ही पालने का काम क्यों ना हो। मैंने उन्हें इस बात के लिए चेतावनी दी है और आगे से कहा है कि वो बच्चों को लेकर स्कूल में। कितनी क्लास टीचरों के पास बच्चे साथ में मौजूद थे जो खिलाती हुई मिली? दो वैसे ही मिली मुझे देश का है। आप इतने कम बच्चों में भी आप ये नहीं कह पा रही थी ऊपर डेट लिखो, कैसे समझ में आए किस दिन का काम है? कॉपी चेकिंग की होती है? ये भी आपने लिखाया? तो आज सुबह से बस आपने केवल 10 ये नाम लिखा है? मैंने पहला पार्ट हिंदी का पढ़ाया, जो लोगों को हिंदी पढ़ाना था उसमें पहला पार्ट हिंदी का पढ़ाया। क्या पढ़ाया है हिंदी का पार्ट? कविता सब बंद ना हुई नहीं है इन लोगों के पास सब पिछले साल नहीं। क्या और क्या पढ़ाया मैडम ने आपको? लाओ लिखाओ क्या लिखाया विज्ञान क्लास में? तो क्या पढ़ाया, कुछ कौन सा टॉपिक पढ़ाया, कुछ मौखिक क्या पढ़ाया बता बेटा? कोई और बताएगा कोई बच्चा? विज्ञान की पढ़ाई हुई है आज? क्या पढ़ाया गया? पहला पार्ट दिखाओ, अभी पहले ही पार्ट चल रहा है आज तक। लाओ जल्दी निकालो। नेक्स्ट न्यूज के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।